यार ओपनिंग कैसे करूं? वाह क्या फिगर है यार, इंडियन हो? हा सुपर, व्हाट अ फेस, ब्यूटीफुल, एकदम हटके, माइंड ब्लोइंग। मी, मैं भी अच्छा हूँ, मैं हैंडसम हूँ, क्या मैं, कैन आई सिट हियर? एक्सक्यूज मी सर, यस, इज़न्ट शी प्रिटी? यस, शी इज़ वेरी प्रिटी, शी लुक्स लाइक एन एंजल। मुझे फेस रीडिंग आती है। एक बार किसी को देख लूं तो उसकी फाइल खोल सकता हूं। भगवान ने तुम्हें ऊपर से बनाया तो परी की तरह है, लेकिन अंदर से हो तुम चुड़ैल। ये जो तुम चॉकलेट खा रहे हो ये चोरी की है। और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। एक चॉकलेट बैग में है, दूसरी तुम खा चुकी हो। रुको, यहाँ। दिखने में तो तुम बड़ी भोली भाली हो, लेकिन रात को तुमने बेवड़ा पिया था। वेट वेट वेट, एक पैक नहीं, दो पैक, तीन पैक, पूरी बोतल चढ़ाई। एक्सक्यूज मी मैडम, शी इज अल्कोहलिक, शी स्टोल चॉकलेट्स, शी इज अ थीफ, पुलिस पुलिस। ओए ए, चल निकल यहां से। मत कर इतना गुरूर, क्यों है खजूर, तेरा बाप मजदूर, मजदूर। अबे चुप, मुंह से गा, कहीं और से नहीं गा। मुंह से रहा हूं, आवाज कहीं और से आ रही है। ए रुक रे, अपना हीरो किधर गया, प्रैक्टिस नहीं कर रही? वो जम के कर रहा है, मेरा मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है पर इंडियन लड़की के साथ। इंडियन लड़की? पुलिस ने पकड़ा तो वो छोड़ देगा, लेकिन इंडियन लड़की ने पकड़ा तो समझो तुम सब के सब लग गए काम धंधे पे। डायरेक्ट ले करके छोड़ेगी। यहाँ की इंडियन लड़कियाँ बहुत ही पावरफुल और डेंजरस क्लास लेती हैं। हम यहाँ खुद के बजाने आए या गाने के लिए? हमें से गाना तो सिर्फ प्रभास को आता है, हमें तो बजाना भी नहीं आता। हाँ, हमारी पहले ही बच्ची। अबे अगर तुम लोगों की इतनी फट रही है ना तो जाओ जाके उसको ढूंढो। अरे खुद की खबर नहीं, उसको कहाँ ढूंढेंगे। एक्सक्यूज मी सर। वाह इतना मीठा सर। यस सर, क्या आप लोग इंडिया से यहाँ बजाने आए हैं? करेक्ट बेबी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैर मत छुओ, मैं बड़ा स्टार हूँ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। म्यूजिक मेरे रग रग में है। मेरी भी। सर, मैंने सुना है कि आपके ट्रूप में गाने के लिए कोई लड़की नहीं है, प्लीज मुझे चांस दे दीजिए, मैं बहुत अच्छा गाती हूं। ठीक है ठीक है, लेकिन तुमने बाथरूम के अलावा कहीं और गाया है? एक बात और, चर्च के बाहर कोरस गाती थी सर। चोरस क्या है? भाई इसे के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। है? अरे यार अब इसे कैसे समझाऊं? अरे गुरुजी बोलना। फोन है सर, इसका? मुझे एक चांस दे दो। एसटीडी एसपी बाल सुब्रमण्यम। एसपीबी? अच्छा अच्छा, उनके पास फिलहाल काम नहीं है इसलिए फोन किया होगा। उनको बोलो कि विदेश में टूर पे निकले, बाद में फोन करें। सर आपके पैर कहाँ हैं? सर मुझे भी गाने का मौका दीजिए, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं गाकर सुनाऊं। नहीं नहीं, गाने की जरूरत नहीं है, कल इसी वक्त इसी जगह पर आ जाना, देखते हैं। प्रॉमिस। ओके। नहीं नहीं नीचे नहीं, ऊपर। मैं नहीं, मेरा म्यूजिक। ज्यादा मत कूदो, हिलती है सिस्टर, हिलती है। अंकल बाय, मैं कल फिर इसी वक्त आ जाऊंगी, बाय टाटा, थैंक यू। ये एकदम हीरोइन लगती है ना? लगती नहीं है, ये हीरोइन ही है। स्विट्जरलैंड में इंडियन हीरोइन। इसी लड़की के साथ प्रभास प्रैक्टिस पे था। तो पहले खोलना चाहिए था ना, अब मुंह खोल रहा है। एसपीबी का फोन नहीं था, मैं चूरन दे रहा था, पर तू समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। गई भैंस पानी में, अगर शादी से पहले कोई फूल खिल गया तो। प्रभास का उससे दूर रहना ही ठीक है। मुझे यकीन नहीं, भरोसा है, अब हम यहाँ से इंडिया नहीं परलोक ही सिधारेंगे। नो फिकर दोस्तों, हीरो और हीरोइन के बीच में आराम से गलत फहमियां पैदा कर सकता हूँ, वेट एंड सी। हमारे लिए 5-स्टार होटल में रूम बुक है और तू यहाँ पे तारे गिन रहा है? प्रैक्टिस में नहीं आया था, कहाँ घूम रहा था? वो लड़की कौन है? तुझे कैसे पता चला? तो रात को गिन रहा है तारे, मतलब प्यार हो गया तुझे प्यारे। वो
अच्छा वो हाँ। अरे वो लड़की नहीं है, वो तो एक परी है जिसे ऊपर वाले ने मेरे लिए बनाकर भेजा। लगता है पागल खाने भेजना पड़ेगा तुझे। तेरी तो मेरे हीरो, लड़की और मोबाइल फोन सिलेक्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके मॉडल हर हफ्ते नए आते। अगर तू उसे देखता तो तू ये बकवास नहीं करता। शायद उसे इसने देखा। मैंने पूरा नहीं देखा। इसने भी नहीं देखा। उसने तो मुझे सीधा यहाँ छुआ है। उसने तुझे कहाँ छुआ ये तो नहीं पता, लेकिन आज सुबह एक लड़की आई थी गाने के लिए, उसे देखेगा तो फुदक उठेगा। मेरा फुदकेगा? मेरा दिल फुदकेगा? क्या मैं भूखा लगता हूँ कि मैं किसी भी लड़की को आई लव यू बोल दूंगा? उसे देखेगा तो घंटी बजेगी। घंटा बजेगा, जोर से बजेगा। चल चल, तुझे पसंद आएगी। अरे नहीं बजेगा। अरे प्यार हो जाएगा। अरे नहीं होगा। क्या बोलता हूँ, एक बजेगा। अबे एक दूंगा, तेरा एक बज जाएगा। कल हम वो लड़की तुझे दिखाएंगे, अच्छी लगी तो आई लव यू नहीं बोलेगा, बल्कि वो लड़की तो क्या दुनिया की किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोलेगा। ओके ओके ओके, नहीं चलेगा, तुझे इस बात का वादा करना पड़ेगा। ये ले बापू की कसम खा। माय डैडी, स्वीट डैडी, इनकी कसम खाओ, ये ले। शायद तुम्हारा बेटा तुम्हें याद करेंगे। हीरो, एक बार फिर से सोच ले, उसे मिलने के बाद अपनी कसम बदल नहीं सकता, वरना डैडी की ऊपर की टिकट कट जाएगी। एक बार फिर सोच ले, एकलौते डैडी। बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा है? चल दिखा कितनी सुंदर है वो, देखता हूँ मैं। चल टी-शर्ट छोड़। चल दिखा, देखता हूँ कि मेरा एक बचता है कि नहीं। चल क्या देता है? अबे चल, कहीं वो तुम्हें टोपी तो नहीं पहना गई? कहाँ है वो लड़की? तो वो लड़की देखना चाहता है ना, वो फूल उन फूलों की दुकान में है। उस दुकान में जा, वो जिसके हाथ में फूल है। देखना। हिलने लगा ना, आई लव यू बोल रहा है दिल? नहीं बोल रहा है। मैंने डैड की कसम क्यों ले ली? वैसे ये लड़की भी बहुत सुंदर है, पर मैंने कसम ली इसलिए मैं आई लव यू नहीं बोलूंगा। अच्छा, बापू की कसम, लॉटरी लग गई। सालों ने मस्त फिटिंग की है, अगर वो बोलते तो फिर तो चलेगा ना, इससे कसम भी नहीं टूटेगी। नहीं, वो लड़की मुझे आई लव यू बोलेगी। वो लड़की मुझे तो जैसा लगता है। आए, बोल, वो लड़की तुझे आई लव यू बोलेगी।